एस्तर की पुस्तक अध्याय सात। एस्तर की पुस्तक अध्याय सात। सो राजा और हामान एस्तर रानी की जेवनार में आ गए, और राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब विध्वंस, घात और नाश किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा क्षयश ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने की मनसा की है? एस्तर ने उत्तर दिया कि वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा तो जल जलाहट में आ गया, मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी में दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है पड़ा है, और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा है जो उसने मुर्दकय के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मुर्दकय के लिए तैयार करवाया था लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई।